आजकल लोन लेना कितना आसान हो गया है ना। यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जो ऐसे कई सारे ऐप्स के ऐड आपको मिल जाएंगे जो आपको 5 मिनट में लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस लोन के पीछे इनके हिडन चार्जेस क्या क्या होते हैं, और क्या आपको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर अगर आपको एक्चुअल में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है अचानक, तो आप यहाँ पे किसकी सहायता से लोन एक्चुअल में ले सकते हैं, किसकी कौन से ऐप यहाँ पे सही है, ट्रू है। और अगर आप जाने अनजाने में इन सारे एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे लोन लेते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पछताना होगा। ऐसे कई सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे मनी व्यू के ऐड आपने देखे होंगे, धनी का यहाँ पे ऐड देखे होंगे, नावी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐड में चल रहा है, और भी ऐसे यहाँ पे कई सारे लिस्ट हैं जो आप देख सकते बहुत हैं। सारे ऐप्स हैं जो आपको जीरो इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करती है, ऐसा ऐड में वो लोग बताते हैं, लेकिन जीरो इंटरेस्ट में कोई भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो आपको 5 मिनट में लोन प्रोवाइड करने की दावा करती है, जैसे मनी व्यू, या फिर क्रेडिट बी, या फिर धनी, या नावी, या फिर 20% क्लब, ट्रू बैलेंस, या फिर यहाँ पे जेस्ट मनी, लकी रुपए, इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको 5 मिनट में यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे दे देते हैं इंस्टेंट, और आप उसमें खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो आपसे ये लोग चार्जेस लेते हैं वो कमाल का प्लानिंग होता है। सबसे पहले आपसे अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जोड़ते हैं, यहाँ पे 12% से लेके 36% का इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करते दूसरा हैं। ये लोग चार्जेस लगाते हैं पेनाल्टी, अगर आप लेट पेमेंट देते हैं तो वो चार्जेस देना होगा, वो भी बहुत ही हाई यहाँ पे चार्जेस ये लोग लगाते हैं, 3-4% यहाँ पे पेनाल्टी चार्ज लगाते हैं जितना भी हम अमाउंट लेते हैं। साथ ही साथ इसका एक प्रोसेसिंग फीस आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि जो भी इनके डिजिटल जो भी यहाँ पे इनके ऐप्स में आप एक्टिविटी करेंगे या फिर प्रोसेस करेंगे, उसका चार्जेस भी आप ही से यहाँ पे लेते ऐसे हैं। कई सारे चार्जेस हैं, जैसे ओवर ड्यू, अगर आपका यहाँ पे बाउंस होता है, अगर आप किसी मंथ यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हैं तो आपसे चार्जेस लेंगे, और यहाँ पे एक टाइम लिमिट भी मिलता है कि इतने मंथ में आपको पेमेंट करना है, अगर नहीं करते हैं तो आपको लास्ट में कॉल, ईमेल, या फिर बार बार आपको नोटिस दिया जाता है, चार्जेस के ऊपर चार्जेस को लगाया जाता है। ऐसे कई सारे यहाँ पे केस आए हैं, जैसे कि धनी ऐप्स में यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे फ्रीडम क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, तो इनके कई सारे ऐसे यहाँ पे लोग हैं जो इन्होंने यहाँ पे वीडियोस अटैच किए हैं कि आप यहाँ पे किस तरह से ये लोग स्कैम करते हैं, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। कुछ ऐप यहाँ पे इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बना देते हैं कि आप इन्हीं के ऐप में यहाँ पे इन्वेस्टिंग करो, तो क्या ऐसे ऐप्स पे आपको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? तो यहाँ पे मेरी सलाह मानो तो यहाँ पे ऐसे ऐप्स में आपको बिलीव नहीं करना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए। ये लोग लिमिटेड डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे लोन दे देते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिंपल यहाँ पे सबमिट करना होता है, बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना होता है, ये लोग कुछ अमाउंट आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जितना का आप लोन नहीं लेंगे उतना आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, पेनल्टी चार्ज लगाएंगे, और यहाँ पे फलाने तरह के कई सारे चार्जेस लगा लगा के आपसे पैसे चार्ज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे इमरजेंसी में कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो प्लीज़ आप इन ऐप्स की मदद यहाँ पे ना लें, या फिर अगर आप इन ऐप की, यहाँ पे बहुत सारे ऐप अच्छे भी हैं, तो यहाँ पे सारे ऐप्स यहाँ पे इस तरह के स्कैम नहीं होते हैं, लेकिन इमरजेंसी में बहुत ही रेयर केस में आप चाहें तो एक आध एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट मिल जाता है, 10-20 हज़ार रुपये का। अगर आपका अच्छा यहाँ पे पैन कार्ड और यहाँ पे बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे पेटीएम के साथ पेटीएम पोस्टपेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे पेटीएम की तरफ से ये ट्रस्टेबल है। और भी जो ऐप्स हैं, एक दो ऐप्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐप्स में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसे ऐप्स पे यहाँ पे जाएं और लोन के लिए अप्लाई करें। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब से जय हिंद, वंदे मातरम।